जब सरकार की नीति ही फर्जी होगी तो फर्जी शिक्षक बहाल ही होंगे हैं। किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं मिलने के कारण हल्ला मचा देना कि सब फर्जी भर गए हैं, सब फर्जी भर गए हैं, ये कहीं से जायज नहीं है। वास्तविक बात जानते नहीं है, बस केवल यूट्यूब पर हल्ला मचाए हुए हैं कि नहीं फर्जी शिक्षक मिल गए हैं, फर्जी शिक्षक मिल गए हैं। अगर सरकार की नीतियां ही गलत हो जाएगी तो किस विभाग में फर्जी शिक्षक नहीं बहाल हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रंजित आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, और आप देखने जा रहे हैं रंजित यूट्यूब पॉइंट। इस वीडियो में आपका स्वागत है, और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो सारे यूट्यूब पर हल्ला मचाए हुए हैं कि फर्जी शिक्षक मिल गए हैं, फर्जी शिक्षक मिल गए। पहले तो फर्जी के साथ शिक्षक लगाना ही गलत है, फर्जी अभ्यर्थी मिल गए ये बात कहिए। शिक्षक की एक मर्यादा होती है कि फर्जी शिक्षक मिल गए हैं, फर्जी शिक्षक मिल गए हैं। यूट्यूब पर इतना वीडियो चल रहा है कि जिसके चलते लग रहा है कि केवल यूट्यूब खोलिए तो केवल फर्जी शिक्षक का ही जिक्र हो रहा है। पहले वास्तविक बात जान लेना चाहिए, उसके बाद अनेक प्रकार के वीडियो यूट्यूब पर डालना चाहिए कि लोग कहते जा रहे हैं कि फर्जी। जब सरकार की नीति इस प्रकार से होगी, सरकार की नीतियों को सही से अगर नहीं बनाया जाएगा तो उसमें जो है गलत अभ्यर्थी आ ही जाएंगे, इसमें दो राय तो है नहीं। तो पहले नियम बनाने से पहले उस नियम पर विचार करना चाहिए कि हम जो नियम बना रहे हैं वो कितना कारगर हो। अगर सही ढंग से देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर और ए स्टेट के एग्जाम, जो ए स्टेट के एग्जाम हुआ था, क्या वो सही से प्रक्रिया अपनाया गया था? ए स्टेट के एग्जाम आपने दिया होगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं ए स्टेट का एग्जाम आपने दिया होगा, ए स्टेट का कभी वेरिफिकेशन आज तक ले हुआ है? आप जो डॉक्यूमेंट डाल लिए हैं उसी पर एग्जाम हो चुका है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डीबी बीपीएससी के माध्यम से TRE1 में हुआ था, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या देखा जा रहा था? जो डाला गया था वही देखा जा रहा था, आप क्या डाल रहे हैं उससे क्या मतलब है? तो इस तरह से जब नीतियां बनेंगी तो फिर तो उसमें फर्जी अभ्यर्थी आएंगे ही, लेकिन बार बार यूट्यूब पर कहना कि फर्जी शिक्षक मिल गए हैं, फर्जी शिक्षक मिल गए, ये सही नहीं लगता है मुझे किसी तरह से। दूसरी बात है कि अगर किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है तो आप उसे कैसे कह सकते हैं कि वो गलत अभ्यर्थी है? मैं आपको अनेकों एग्जाम्पल दे सकता हूं, ऐसे ऐसे मेरे दोस्तों ने मेरे पास कॉल किया है, मेरे पास वीडियो सेंड किया हुआ है कि उनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिला है लेकिन फिर भी वो सही कैंडिडेट, उनका वेरीफाई हुआ है। बहुत सारे ऐसे सेंटर थे जहां से थंब इम्प्रेशन वाला मशीन का जो सर्वर था डाउन हो रहा था, नहीं हुआ था थंब इम्प्रेशन, इसका मतलब वो सारे फर्जी हो गए। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके काम करने से उनके अंगूठे जो है घिस चुके हैं थोड़ा सा, वो भी मिलान नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो भी फर्जी है। अभी थंब इम्प्रेशन हो रहा है जो जिला वाइज हो रहा है, उनका सर्वर काम नहीं सही से कर रहा है, उनका थंब इम्प्रेशन नहीं काम कर रहा है, उसका मतलब वो भी फर्जी है। सुबह थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है लेकिन शाम को थंब इम्प्रेशन मिल रहा है, तो इसका मतलब सुबह फर्जी थे और शाम को सही हो गए। यूट्यूब पर जो बार बार वीडियो गलत तरीका से चलाया जा रहा है ये सही बात नहीं है। वास्तविक बात जानिए कि वास्तविक बात क्या है। हाँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि गलत अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो चुके हैं, गलत अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के साथ, गलत प्रमाण पत्र के साथ या किसी से एग्जाम दिलवाकर उसमें शामिल नहीं हुए। वास्तविक बात है कि शामिल हो, क्योंकि नीतियां ही वैसी थी तो उसमें शामिल होना स्वाभाविक बात था। बड़े स्तर पर हो रहा था तो बड़े स्तर पर कुछ गलतियां होती हैं, सरकार से भी हुई हैं, गलतियां हुई हैं जिसका समीक्षा अब जांच चल रहा है, उसे सुधारा जाएगा। लेकिन बार बार यूट्यूब पर झूठे प्रचार कर रहे हैं ये कहीं से जायज नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बनाया जा रहा है कि अगर यही जांच पड़ताल अगर शुरू में ही हो गया होता, वास्तविक रूप से जांच होता तो उन मेरे दोस्तों का कल्याण हो गया था जो अभी फिलहाल TRE1 से वंचित, जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है उनका कल्याण हो जाता, ये तो सबको दुख है। लेकिन किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं मिलने के कारण उसे गलत कह देना कि फर्जी पकड़ा गया, फर्जी पकड़ा, ये कहीं से जायज नहीं है। अगर वास्तविक रूप से आप जाइएगा जहां जांच चल रहा है, वहां पर बहुत सारे ऐसे जिले हैं, बहुत सारे ऐसे काउंटर हैं जहां पर थंब इम्प्रेशन सुबह नहीं मिल रहा है और शाम हो रहा है, उनका सर्वर सही से काम कर रहा था, उन्हीं अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन मिल जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे, वहां पर ये भी देखा जा रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनका निशान, अंगूठा का निशान नहीं मिल रहा है, थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है लेकिन उसका फोटो मैच कर रहा है, वो खड़े हैं एग्जाम हॉल में अपने एडमिट के साथ फोटो खिंचाए हैं, वो सही कैंडिडेट है। टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्निकल फॉल्ट होना स्वाभाविक बात हो सकता है। थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है, वो देखा जाएगा कि नाम एग्जामिनेशन हॉल में था कि नहीं था, एडमिट कार्ड के साथ फोटो खिंचाया है कि नहीं खिंचाया है, ये सारी बातें हैं जो कि देखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी आ रहे हैं जो कि गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। अगर वास्तविक रूप से बात देखा जाए तो जो भी ए स्टेट 2019 से अभी तक ए स्टेट एग्जाम हुए, जिसके जिसके बल पर सारे अभ्यर्थी शिक्षक बने हुए हैं, क्या ए स्टेट का कभी, आपके मन में सवाल है, क्या ए स्टेट का कभी वेरिफिकेशन हुआ है? कि ये स्टेट में जो हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, हम लोगों का जो रिजल्ट मिल जाता है उसके बाद कभी जांच होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वो सही है कि क्या है? जैसे TRE1 बीपीएससी में हुआ था, आप कुछ भी उस पर डालते थे उसका वाटरमार्क आ जाता था और वही ले आकर दिखाना था। हाँ, इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि जो TRE1 में फर्जी अभ्यर्थी घुस गए हैं, गलत सर्टिफिकेट देकर या किसी से एग्जाम दिलवाकर घुसे हैं, आज अगर जांच सही से हुआ होता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी अच्छा रिजल्ट आता और अधिक रिजल्ट भी आता और
और अच्छे अच्छे अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हुए थे उनका भी रिजल्ट था और वो सर्विस में होता। इसी को देखते हुए टीआरई वन में सरकार को चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलतियां की हैं पहले वाले में, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकेंड में जो हुआ है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सारी बातें देखें, हम इंप्रेशन मिलान करें। अब देखिए टीआरई टू में क्या हुआ था, टीआरई टू में जो शुरू में वेरिफिकेशन हो रहा था, काउंसलिंग हो रहा था, उसमें आधार कार्ड का मैचिंग कराया जा रहा था, आधार कार्ड में जो आपका थंब इंप्रेशन वही मैच हो रहा था। लेकिन बाद में जब नोटिस निकला तो दो दिन के बाद जो है थंब इंप्रेशन मिला, जो एग्जाम में आप दिए थे थंब इंप्रेशन उसको मिलाया जाने लग रहा था। अब मिलाए जाने के क्रम बहुत सारे अभ्यर्थी को मिल ही नहीं रहा था, तो वो रो रहे थे कि मेरा मैच नहीं खा रहा था, जबकि देखा गया तो वो टेक्निकल फॉल्ट था। तो बहुत सारे बातें हैं, सरकार या ऑफिसर को बहुत सारे बातों पर विचार करना चाहिए। किसी को ऐसे ही डिक्लेयर कर देना कि वो फर्जी अभ्यर्थी है, कह देना बड़ी बात नहीं है, सही तरीके से जांच कर ऑथेंटिक उसे जांच करके उसे बाहर करना बड़ी बात होती है। तो इसी तरह से हो हल्ला मचाया हुआ है, मचाया गया है यूट्यूब पर कि सब फर्जी अभ्यर्थी भर गए हैं, सब फर्जी, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ मिल रहे हैं, लेकिन जितना स्तर पर हल्ला मचाया गया उतना स्तर पर फर्जी अभ्यर्थी नहीं मिल रहा। जो जिन अभ्यर्थियों के इनके चलते नहीं हुआ है उनके साथ हमारी संवेदना है, मैं चाहता हूँ कि वैसे अभ्यर्थी को आना चाहिए, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी होना चाहिए और टीआरई टू में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही है, बहुत लोग काउंसलिंग नहीं कराए हैं, तो उनके बदले में सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए। ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किया, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।